उज्जैन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लग्जरी इनोवा कार को हिरासत में लिया है, जिसमें लंबे समय से सट्टा संचालित हो रहा था। ऑनलाइन सट्टा घर बनी हुई कार से ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। उप पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार अतुलकर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद सोनकर को सूचना मिली थी कि भूखी माता क्षेत्र में कुछ बदमाश 30 लाख रुपए की इनोवा गाड़ी में ऑनलाइन सट्टा घर चला रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर चमचमाती लग्जरी कार को पकड़ा तो उसमें से ऑनलाइन सट्टा घर का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने मौके से कमलेश दास निवासी वेदनगर और तरुण चौहान निवासी गणेश नगर को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से ऑनलाइन सट्टे की सारी सामग्री जब्त की गई है। बताया जाता है कि दोनों आरोपी करोड़ों रुपए का सट्टा हिसाब किताब भी मिला है। दोनों आरोपियों ने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी है। बताया जाता है कि आरोपियों के तार मध्य प्रदेश के कई शहरों से जुड़े हुए थे। आज उज्जैन क्राइम पुलिस को जो है एक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में बड़ी सफलता मिली है और हमारी क्राइम टीम जो है कई दिनों से रेकी कर रही थी और आज जो है माधव महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत भूखी माता रोड पर एक इनोवा और एक जो है टाटा इंडिको गाड़ी में जो ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा किया जा रहा था उनको लगे हाथों पकड़ा गया। और जब जिस वक्त पकड़ा गया उस समय जो है मोबाइलों पर जो है लाइन एक्टिव थी और ये सिडनी में क्रिकेट जो चल रहा है उनके यहाँ दो क्लबों का उसका ये जो है क्रिकेट सट्टा कर रहे थे और इनको जो है दोनों लोगों को वहाँ से पकड़ा गया है। एक का नाम है कमलेश दास जो कि नीलगंगा थाना क्षेत्र का है और एक जो है वरुण जो है नाम का व्यक्ति वरुण चौहान उसको पकड़ा गया है, वो जो है नानाखेड़ा क्षेत्र का है। इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है और महाकाल थाना क्षेत्र में इसमें वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। लगभग सर ये इनसे जो है 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 2 पेन ड्राइव मिले हैं और दोनों पेन ड्राइवों को जो अभी तक एनालिसिस किया गया है, जांच की गई है, उससे करोड़ों रुपए के हिसाब के की जानकारी मिल रही है। ये दोनों लड़के काफ़ी दिनों से जो है क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा का कारोबार कर रहे थे। पूर्व में इनके द्वारा बताया गया है कि जो IPL चला था उसका भी इन्होंने कारोबार किया था। पुलिस जो है महाकाल इस पर जो है जांच कर रही है, जांच करके हम इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इनके बुकी की भी आगे की लिंक कहां से थी वो भी पता करेंगे और उस पर भी हम काम करेंगे। उज्जैन से DNU के लिए राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।